हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करते हैं। सो ऑब्जेक्ट आपका पीएन जंक्शन डायोड का होता है टू ड्रा द बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी हमें पीएन जंक्शन का वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करनी है। इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। सो एपरेटस कौन कौन से हमारे यूज होंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। हमें सबसे पहले एक पीएन जंक्शन डायोड चाहिए होगा, एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा, मिली एमीटर चाहिए होगा, माइक्रो एमीटर चाहिए होगा, डीसी पावर सप्लाई चाहिए है और रियोस्टेट चाहिए। रियोस्टेट किस लिए चाहिए होता है? रियोस्टेट हमारा जो है वोल्टेज वेरी करने के लिए काम आता है। इसकी थ्योरी आप जो है जानते ही हैं, फार्मूला यूज भी आप जानते हैं। हम डायरेक्टली बात करेंगे ऑब्जर्वेशंस की। सो ऑब्जर्वेशंस में हम जो है सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात करेंगे। सो फॉरवर्ड बायसिंग का इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा और कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो आपको इस फिगर में दिखाए गए हैं। देखिए, पीएन जंक्शन का सिंबल ट्रायंगल की तरह है और ये जो है पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है। और पीएन जंक्शन का के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाया गया है पैरेलल में, ताकि वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन मिल जाए, और सीरीज में एक एमीटर लगाया गया है जिससे हमें ये पीएन जंक्शन में फ्लो होने वाली करेंट के बारे में पता चलता रहे। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो एरो का साइन लगा है बैटरी के ऊपर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी है, राइट? अब फॉरवर्ड बायस में हम काम कर रहे हैं तो हमें जो है हमारे वोल्ट मीटर और एमीटर मिली एमीटर की जो है लीस्ट काउंट पता होनी चाहिए। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वोल्टेज जो लेफ्ट हैंड साइड है मिडिल में है, मिडिल में है वो वोल्ट मीटर है, और जो राइट हैंड साइड में है वो है मिली एमीटर। सो वोल्ट मीटर के अंदर आप जो रीडिंग्स हैं, जो रीडिंग पैनल है आप उसको देखेंगे तो 10 माइन्यूट डिविजन्स की जो रीडिंग है वो है 0.25 वोल्ट, राइट? इसलिए वन स्मॉल डिवीजन की रीडिंग हो जाएगी 0.025 वोल्ट। इसी तरीके से मिली एमीटर की जो लीस्ट काउंट हो जाएगी 0.2 मिली एम्पियर्स, क्योंकि 10 डिविजन्स की रीडिंग है 2 मिली एम्पियर, सो वन डिवीजन की क्या हो जाएगी 0.2 मिली एम्पियर्स। आपका जो पीएन जंक्शन डायोड का जो पैनल है, इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट? इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है वो फॉरवर्ड बायस के लिए है, राइट हैंड साइड में जो है वो रिवर्स बायस के लिए कनेक्शंस लगे हुए हैं। सो अब हम बात करेंगे किस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है पीएन जंक्शन डायोड की इन फॉरवर्ड बायस, राइट? सो हम अभी एक वीडियो मैं प्ले करूँगा, आपको उसमें देखते रहना है। आप रीडिंग जब ले रहे हैं उससे पहले हम थोड़ी सी इस टेबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे सीरियल नंबर वन में जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.025। सो 0 क्या है? 0 इज़ द नंबर ऑफ डिविजन्स एंड 0.025 हमारा लीस्ट काउंट है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। सो इस प्रैक्टिकल को करते हुए हम केवल डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी आप ध्यान देंगे तो डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट दिया गया तो एक्चुअल रीडिंग आती है। सो ये रीडिंग कैसे आएंगी आप देखिए इस वीडियो से। सो आपको जो है इस पैनल में आप देखिए पीएन जंक्शन के पी टाइप को हमने क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है और बैटरी के नेगेटिव को जो है हमने जो वोल्ट मीटर से होते हुए पोटेंशियल डिवाइडर से होते हुए बैटरी से जोड़ा हुआ है, और जो पीएन जंक्शन का एन टाइप है उसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हमारा जो एमीटर है वो सीरीज में है विद रिस्पेक्ट टू पीएन जंक्शन। हाउएवर जो हमारा वोल्टेज वोल्ट मीटर है वो पैरेलल टू द
पैरेलल में जुड़ा हुआ है पीएन जंक्शन से। अब हम जो है रीडिंग लेने की बात करेंगे, रीडिंग लेंगे तो देखिए जीरो वोल्टेज पर मिलीमीटर में जीरो रीडिंग है। आप जैसे जैसे आप जो है वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं 1 2 3 आप जो है 5 डिवीजन्स तक ले आए तब भी जो है आपका मिली एम्पियर्स में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता। 5 डिवीजन से ज़्यादा आप जा रहे हैं 10 डिवीजन्स पर आ गए तब भी आपको जो है माइन्यूट डिफ्लेक्शन मिल रहा है, राइट। 10 डिवीजन से जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको जो है डिफ्लेक्शंस मिली एम्पियर में दिखने लगेंगे, यानी तब हमारा जो पीएन जंक्शन जो है कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। देखिए 12 डिवीजन्स में आपको जो है यहाँ पर बहुत ही कम रीडिंग दिख रही है। 15 डिवीजन्स पे आपको यहाँ पे 1 2 डिवीजन्स दिख रहे हैं। राइट। और इसके बाद जब आप जो है 20 डिवीजन्स में जा रहे हैं तो 20 डिवीजन्स में आप ये जो रीडिंग आ रही है वो रफली 17 के आसपास आ रही है, राइट। उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो इससे ऊपर आप जो है 21 22 जैसे आप बढ़ रहे हैं तो तेज़ी से आपका जो है मिलीमीटर की रीडिंग बढ़ रही है, क्योंकि इस पार्ट में आपके जो पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो करंट होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। आप जो आपका पीएन जंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली करंट उसमें इंक्रीज हो रही है, इसलिए करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है इवन तो आप जो है वोल्टेज बहुत कम जो है बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल देख सकते हैं, टेबल की रीडिंग आ जाती है। अब आप जो है टेबल बनाएंगे रिवर्स बायसिंग के लिए। रिवर्स बायसिंग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस या इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन जो है आपको इस फिगर में दिखाए गए हैं। अगेन पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस में पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन साइड को आप बैटरी के पॉजिटिव कनेक्शन से जोड़ते हैं। अगेन आपके जो है पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और सीरीज में जो है माइक्रो एम्पियर्स कनेक्ट किया गया है। आप इस फिगर से देख सकते हैं कि आपके लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा। 10 स्मॉल डिवीजन्स के लिए जो है 10 स्मॉल डिवीजन के लिए आपका जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, इसलिए लीस्ट काउंट होगी 0.5 वोल्ट। इसी तरीके से एमीटर में जो है माइक्रो एमीटर में आपकी जो लीस्ट काउंट होगी वो है 2 माइक्रो एम्पियर्स, क्योंकि 10 डिवीजन्स के लिए जो रीडिंग आती है वो है 20 माइक्रो एम्पियर्स। इस तरीके से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगेन जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड बायस के लिए जो है रीडिंग ली थी उसी तरीके से हम रिवर्स बायस के लिए रीडिंग लेंगे। अगेन हम डिवीजन्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद लीस्ट काउंट और इससे हमें फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। अगेन देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन देख लीजिए। पी एन में एन टाइप को जो है आपने पहले बैटरी पहले आपने एमीटर से जोड़ा है, फिर उसे जो है पोटेंशियोमीटर से जोड़ करके, जबकि जो है पोटेंशियोमीटर के नेगेटिव से जोड़ा है। आपने पी साइड को जो है पोटेंशियोमीटर के यानी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है और एन साइड को आपने एमीटर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है। अब आप रीडिंग धीरे धीरे वोल्टेज वोल्ट मीटर की बढ़ाएंगे। आप जैसे रीडिंग बढ़ाएंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पर बड़ी धीमे धीमे माइक्रो एमीटर की भी रीडिंग बढ़ती हुई दिखेंगी। आपने यहाँ पे 0 डिवीजन पर जो है 0 रीडिंग थी, अब 5 डिवीजन्स के लिए आपकी रीडिंग 1 2 1 है। आप जो है रीडिंग बढ़ाते जाएंगे आपको जो है रीडिंग मिलती जाएंगी। जैसे 10 डिवीजन्स के लिए जो है आपको जो रीडिंग मिल रही है 10 डिवीजन्स के लिए 2 3 डिवीजन्स हैं, 15 डिवीजन्स के लिए 3 है और इसके बाद जब आप आगे फर्दर बढ़ाएंगे तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है 30 डिवीजन्स के लिए आपको यहाँ पे 17 डिवीजन्स मिल रहे हैं, 35 डिवीजन्स के लिए आपको 20 डिवीजन्स के आसपास मिल रहे थे। इस तरीके से आप इससे
रीडिंग नोट करेंगे। आपकी टेबल बनी हुई है, आप इसमें नोट करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज आपने 30 अप्रॉक्स 30 वोल्ट अप्लाई करते हैं तब भी जो आपकी करंट है बहुत हायर नहीं है। सो आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो रीडिंग टेबल आपकी बनी हुई है। अब आपको ये प्लॉट करना है, इसको आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे सो आपको ये राइट साइड जो आपको मिल रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह का कर्व मिलेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। नी वोल्टेज से पहले जो है आपका करंट बहुत कम होगी, यानी नी वोल्टेज से पहले आपका जो पीएन जंक्शन है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, राइट। और रिवर्स बायसिंग में जो है देखिए करंट धीरे धीरे बढ़ती जाती है आप इसको एक्सपोनेंशियली कह सकते हैं, बट द करेंट इज वेरी स्मॉल इन माइक्रो एम्पियर्स, मीन्स 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द करेंट ऑफ इन फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। इसको प्लॉट करने के बाद आपका एक्सपेरिमेंट लगभग कंप्लीट होता है। आप रिजल्ट लिखेंगे, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग इज प्लॉटेड एंड शोन इन द फिगर। प्रिकॉशंस क्या है, मेक ऑल कनेक्शंस केयरफुली एंड प्रॉपरली इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज स्टेप इनिशियली शुड बी टेकन स्मॉल नियर अबाउट द कट इन वोल्टेज, स्टेप शुड बी इवन स्मॉलर। एंड रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज जो है आप क्या करेंगे थोड़ी थोड़ी बड़े लेंगे, बट जब ब्रेक डाउन आएगा तो स्मॉलर स्टेप्स लेंगे, राइट। आप पीएन जंक्शन डायोड आप कर रहे हैं तो इसमें से कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। पीएन जंक्शन डायोड एक स्पेशल डिवाइस है जो कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में टुगेदर ज्वाइन करने पर आपको पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। इसका यूज क्या है, एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन क्या होते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन के कारण जो आयनाइजेशन होता है उसको हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जंक्शन के क्रॉस होती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे आयंस या चार्ज कैरियर्स एसिलरेट होते हैं, एसिलरेट होने के कारण वो जो है आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके आयंस और एटम्स को जो है आयोनाइज करते हैं। जेनर ब्रेकडाउन आपका फील्ड एमिशन प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अक्रॉस द जंक्शन क्या करती है वो जो है डायरेक्टली जो है एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेती है और इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्या है, पोटेंशियल बैरियर इज अ पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन। ये क्यों डेवलप होता है, ये डेवलप इसलिए होता है क्योंकि जो जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, डिप्लीशन लेयर में किसी भी तरह का जो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के कारण ही वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या होती है, व्हाट आर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, व्हाट इज कट इन और नी वोल्टेज, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और मेमोराइज रखने हैं। इसके अलावा भी और भी आप जो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यू शुड रिमेंबर दोज क्वेश्चन। थैंक यू।